हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे हेल्दी स्वादिष्ट रोटी पनीर रोल। ये बाहर के स्ट्रीट फूड फ्रेंकी रोल से भी बहुत ही बढ़िया बनती है, घर पे आसानी से बन जाती है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा और हेल्दी भी है। तो चलिए तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो रोल के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी। अब मैं इसमें चॉप किया प्याज डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया, उसे बारीक काट लिया और उसके साथ में मैं शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। तो 1 शिमला मिर्च ली मैंने और उसके बीज निकाल के इस तरह से बारीक टुकड़े में काट लिए, तो इसमें डाल दूंगी। 1 मिनट तक हिलाऊंगी इसे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं, थोड़ा क्रंची रखना है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम पे करी है। अब मैं यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन, 2-3 लहसुन की कलियाँ लेके इसका मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ली है, तो थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने इसे साफ करके अच्छे से बारीक काट लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को हाई पे रखूंगी। अब मैं गैस की फ्लेम को लो पे रखूंगी ताकि हमें मसाला डालना है। तो मैं इसमें 1 चम्मच भुना जीरा यहाँ पे मैंने पीस के लिया है, तो उसका मैं 1 चम्मच पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी। आप तीखा पसंद करते हो तो और इसमें तीखी वाली मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें, ये देखिए मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, तो इसके मैंने इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो मोटे पीस भी रख सकते हैं इसके। फिर मिक्स कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पे 1 टमाटर से काट लिया है बारीक, तो ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे हमारी स्टफिंग तैयार है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 4 रोटी बची हुई रोटी है, 4 रोटी। अब इसे हम हल्का सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। बटर में इसे का बहुत टेस्ट बढ़िया आता है। अब रोटी को हम थोड़ा हल्का सेक लेंगे। इसी तरह हम सारी रोटी सेक लेंगे बटर में।
तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे रोटी को सेक लिया है। अब हम एक पहले रोटी लेंगे, इसमें एक टमाटो सॉस लगाएंगे। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक टमाटो सॉस लगाऊंगी। हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए कम तीखा बनाएं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्टफिंग को इस तरह से एक लाइन में डालूंगी। और इसके ऊपर मैं एक इस तरह से प्याज का लच्छा डालूंगी और इस तरह से रोल कर लेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी रोटी पनीर रोल बनके तैयार है। ये बाहर के स्ट्रीट फूड और फ्रेंकी रोल से भी बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।